शक्ति सामन किन किन मुश्किलों से गुजरकर सिनेमा की दुनिया तक पहुंचे। शक्ति सामंत का जन्म बंगाल के बर्धमान में हुआ था। जब वो 1.5 साल के थे तब उनके पिता की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई। पढ़ाई के लिए उन्हें बदायूं में चाचा के पास भेज दिया गया। इंटरमीडिएट पास करने के बाद उन्होंने कलकत्ते जाकर इंजीनियरिंग एंट्रेंस की परीक्षा दी और फंस भी आए। लेकिन जब वो एडमिशन के लिए गए तो कॉलेज ने यह कहकर वापस कर दिया कि वो परीक्षा केवल बंगाल, बिहार और उड़ीसा के छात्रों के लिए है। उनका 1 साल बिना किसी वजह के बर्बाद हो गया। चाचा के कहने पर शक्ति उनके साथ काम में हाथ बटाने लग गए। साथ ही साथ शौक था थिएटर ड्रामे का, वो भी पूरा करते रहे। एक रात जब वो थिएटर के रिहर्सल से घर देर से लौटे तो चाचा ने डांट लगा दी, भला बुरा सुनाया। शक्ति सामंत को चाचा की बातें इतनी बुरी लग गई कि उसी रात उन्होंने चाचा का घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। घर से निकलने के बाद शक्ति बॉम्बे के आसपास काम की तलाश कर रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि उनका अंतिम मुकाम, फाइनल डेस्टिनेशन यही है। किस्मत से उन्हें रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट के धापोली नाम के एक छोटे से टाउन में टीचर की नौकरी मिल गई। यहां से बंबई 1 घंटे में या स्टीमर के द्वारा पहुंचा जा सकता था। शक्ति सामंत को यहां मिलते थे 130 रुपए। फिर भी शक्ति सामंत ये कोशिश करते थे कि कुछ पैसे बचा ले ताकि बंबई जाकर स्ट्रगल कर सके। फिल्मों में कुछ करने की उनकी दिली तमन्ना उन्हें हर शुक्रवार बंबई खींच ले जाती थी। शुक्रवार शाम को वो स्टीमर से बंबई जाते, काम ढूंढते और फिर सोमवार की सुबह वापस आ जाते। ढेर सारे फिल्म निर्माताओं से मिले लेकिन वो राजनीतिक हलचल का, पॉलिटिकल टर्मोइल का समय था। देश के बंटवारे के बाद बहुत सारे कलाकार पाकिस्तान चले गए थे। फिल्म इंडस्ट्री का भी बुरा टाइम चल रहा था। बहुत कोशिशों के बाद उन्हें असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर बॉम्बे टॉकीज में रख लिया गया, मगर एक शर्त थी, तनख्वाह नहीं मिलेगी, नो पगार, सिवाय दोपहर के खाने और चाय के। फिल्मों के दीवाने शक्ति सामंत राजी हो गए और यहीं से शक्ति सामंत के सिनेमा से जुड़ने के उनके ख्वाब को ताबीर मिल गई। किस्मत ने साथ दिया, मेहनत रंग लाई, पैशन की वजह से फिल्म इंडस्ट्री में ओपनिंग हुई और धीरे धीरे अपनी मेहनत, लगन, किस्मत की वजह से वो बन गए हिंदी सिनेमा के कामयाब डायरेक्टर शक्ति सामंत। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।